जनता की भावना समझी कौनी। मजबूरन आज जिला हेडक्वार्टर अपने प्रदर्शन करने के लिए आना पड़े और बताना खातर कैची की डूंगा ओपनिंग नवनिर्वाचित पंचायत समिति से प्रस्तावित करिए। बस जनता के लिए वर्तमान में उपयोग कोनी। मैं चाहा पूरी डूंगर की जनता आज चाहे 22 पंचायत में मिलाई है ऊपरी नव निर्वाचित प्रस्तावित पंचायत समिति में तमाम सरपंच तमाम जनता भाई प्रस्ताव में शामिल कोनी। आप बात बार बार भाई प्रशासक ने कही है वास्ते अभी आप एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में कलेक्टर सामने ज्ञापन सौंप छा खाली बात के बनाया कि मैं थाना कही कि सेकंड डूंगर बना दो। डूंगर की भौगोलिक स्थिति 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ज्यादातर 20 किलोमीटर में पंचायत आवे तो माना मंजूर है सेकंड और फर्स्ट। थाना जनता ने सुविधा देनी है या नेता ने राजी करना है जिका ऊपर जयपुर में आका बैठा है माना राजी करना है या डूंगर की जनता ने सुविधा देनी है तो परिसीमन वास्ते करो जाए जनतंत्र के माँ के जनता ने ज्यादा सुविधा मिले साधन मिले और आपका काम जल्दी हुए। मगर स्थानीय प्रशासक और जिला प्रशासक ऊपर के आकाने राजी करना पेगी खुश करना पेगी नवनिर्वाचित सर्जित पंचायत ऊपरी कर दी पहला किया कि मैं पंचायत समिति को कोई बार प्रस्ताव कौन भेजा मैं खाली पंचायत ग्राम पंचायत को प्रस्ताव लेवा और पंचायत समिति को बाद में ब्लॉक को बाद में। मगर जो ही प्रकाशन हुए प्रकाशन के माँ पंचायत समिति ऊपनी नवसर्जित के रूप में अब आप के अलग अलग जनता की आवाज मुकर हुई खिलाफ बनी जनता विरोध में आवाज में कलेक्टर ने भी बात कही। कलेक्टर साहब बोले ठीक है डूंगर बढ़ा देते हैं। फिर दोबारा मिला के मंशा हुई मत पूरी बात कही कौनी तो कलेक्टर साहब ने थारी ताकत हूँ थारी हिम्मत हूँ थारे विश्वास हूँ इस सरकार ने प्रशासक ने आज चेता बनाया क्या अगर डूंगर की जनता ने सुविधा देनी है तो डूंगर के बाद दूसरी पंचायत समिति डूंगर परिसीमन में ही डूंगर शहर में बढ़ा दी जाए तो बस ज्यादा उपयोगी उसी बस जनता का हित का ही उसी। मेरे किसान दोस्तों नौजवान साथियों मेरे हम सफर सरपंच साथियों जनप्रतिनिधि साथियों हमने जो जंग छेड़ी है एक मंच पर विचारधारा कैसी भी हो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे कम्युनिस्ट की हो वामपंथ की हो किसी भी हो मगर इसकी इस लड़ाई के अंदर डूंगर की जनता एक है। ये प्रशासक को आज हम चेताने के लिए आए हैं अगर अलग तोड़ने से इसे देखोगे तो निश्चित रूप से आपको इसका रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारी परीक्षा मत लो हम अब जगह परीक्षा में खड़े उतरे हैं। जब भी हमने आपको कहा है हम आपको जब भी कह के गए हैं उस वादा को आपको नाक के रगड़ा के गए हैं जो भी बात हमने कही है वो मनवा के गए हैं। इसलिए आज तो हम सिर्फ आपको चेतावनी के रूप में ये कहने आया है नुगड़ की जनता कि जागो उठाओ प्रशासक बेरे और गुके मत बनो सरकार की आंख बनो जनता की कान कान बनो जनता की आवाज सुनो। इसलिए आपको यहाँ बैठाया गया है
जो प्रशासक जो नियम बैठा है उन्हें हम कहना चाहते हैं, हम जब ज्ञापन देने के लिए आएंगे तो हम ये निश्चित रूप से हम आपसे आश्वासन चाहते हैं कि डूंगर की जनता चाहेगी वही पंचायत समिति बनेगी। हम आपके मुख से ये सुनना चाहते हैं, इसलिए ज्ञापन देने के लिए आएंगे। ज्ञापन देने के बाद अभी जो ग्राम पंचायतें बनी है, पंचायत समितियां बनी है, प्रकाशित या नवसंजित, उनका आपत्ति लेने की तारीख 29 तारीख है। 29 तारीख के बाद यह दूसरा प्रकाशन करेंगे कि हमने ये पंचायत समिति बनाई है, ये ग्राम पंचायत बनाई है। तो इसकी तैयारी के लिए आज से ही अपने तैयार रहना है। अपना फैसला मानते हैं तो ठीक, नहीं तो अगली रणनीति के लिए भी हमें अभी से ही घोषणा करके रणनीति बना के अपने गांव की ओर कूच करेंगे, जब तक हम ये पूरा कलेक्टर के मुंह से ये आश्वासन सुना चाहते हैं आपकी ताकत से। किसान साथियों, हम कोई शौक से, हमें कोई ये तमन्ना नहीं है कि हम प्रदर्शन करें इस गर्मी में। गांव और खेत का खलिहानों में काम है, जहाँ आज मतलब खेत को और अपने घर को छोड़ के आए किसान नौजवान, हम इसलिए आए हैं कि आने वाली पीढ़ी को अगर ऊपरी पंचायत समिति बनती है तो 20 साल तक हमें उस विकास का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हम उसके विरोध में नहीं है, आने वाले 20 साल में बड़ा जरूरत हो तो, मगर अभी उपयुक्त श्री डूंगर पंचायत समिति जनता के लिए ऊपरी उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त है मात्र श्री डूंगर शहर क्षेत्र, जो वर्तमान में पंचायत समिति बनी हुई है वहाँ भी आप दो पंचायत समिति बना सकते हो। जैसे सीकर में है विधानसभा धोत है और उसके सारे कार्यालय सीकर में है, उसी प्रकार हम ये चाहते हैं जनता को सुविधा देना चाहते हो तो डूंगर की भावना को समझो, कदर करो। अगर कदर नहीं करोगे तो हमारा तो वही रास्ता है, संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, हम पहली बार आपके पास आए हैं, दूसरा पड़ाव जिस दिन आप प्रकाशन करोगे कि ये पंचायत समितियाँ बन गई है, उसके बाद में भी आप नहीं मानोगे तो दूसरा पड़ाव हमारा जयपुर की ओर होगा, वो सचिवालय होगा, सचिवालय। मगर आप अगर इस एकता और ताकत से रहेंगे, निश्चित रूप से इस प्रशासन की राज की ताकत नहीं है कि आपके भावना के खिलाफ कोई पंचायत समिति, कोई ग्राम पंचायत बना दी जाए, ऐसी इनकी हिम्मत नहीं है। तो हम आपके माध्यम से आपकी भावनाओं को, जो गांव और खेत से निकल के आज जिला प्रशासक के आगे आई है, इस ताकत को आप कम मत आंकना। हजारों की संख्या में जो खेत और खलिहान छोड़ के आपके दरवाजे पे खड़े हैं, जो भूखा तिसा किसान जो आंख आपकी तरफ नज़र घुमाए बैठा है कि निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, हमें भी हमें ऐसा है कि आप न्याय करोगे, इसलिए आपको पहली बार ज्ञापन देने जनता के रूप में, प्रदर्शन के रूप में आए हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से MLA के रूप में, सरपंच के रूप में हमने विरोध दर्ज कराया, मगर अब भी जनता आपके पास विरोध दर्ज कराने के लिए अब ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समय लेते हुए यही कहूँगा कि किसान साथियों, नौजवान साथियों, मेरे जनप्रतिनिधियों, हमने जो लड़ाई छेड़ी आपके विश्वास पर, आपकी आत्मा और आपकी आवाज़ पर, इसको कमज़ोर मत पड़ देना। अगर कमज़ोर पड़ गई, जनतंत्र के अंदर जनता से बड़ी ताकत दुनिया में नहीं होती, और ये ताकत आप में है, और इस ताकत को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें आज एकता और अखंडता की ये बात कि हमें पंचायत समिति चाहे एक बनाओ चाहे दो बनाओ, हमें डूंगर मंजूर है, अन्यथा कहीं मंजूर नहीं है, ये आपसे वादा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अभी सामूहिक रूप से जो कोई शायरी के साथी है वो कलेक्टर साहब से बात करें, हमारा प्रतिनिधि मिलने के लिए आएगा और
हम इस साइड से गुजरेंगे, जो तख्तियां हैं, जो तख्तियां रैली के रूप में हम जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय होते हुए बाहर उत्तर की साइड होते हुए यहाँ हम अपने पहुँचेंगे। तो पंक्तिबंध के रूप में, एकता के रूप में, अनुशासन के रूप में, जब कोई नौजवान किसान, छात्र, दलित, शोषित, पीड़ित जब सड़क पे उतरता है तो सरकार को समझ लेना चाहिए, निश्चित रूप से समस्या है। तो यहाँ से